कुल दिन कांग्रेस कमेटी की शिकायत पर आज हिंदुस्तान के सभी सूबों में महंगाई के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया गया और इस पेश नज़र शहर हैदराबाद जो तेलंगाना का दारुल हुकूमत है इंदिरा पार्क के से मुतसिल हज़ारों कांग्रेसी कारकुन महंगाई के खिलाफ शामिल होकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से रहने का इजहार किया। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी इख्तदार में आई है तब से जुल्म ज़्यादती बहुत बढ़ती जा रही है, मज़लूम ज़ालिम हो गया है, ज़ालिम मज़लूम हो गया है। ना सिर्फ इंसानी हकदार की कमी है बल्कि इंसान को ना पेट भर रोटी मिल रही है, ना ठंडक में कपड़ा मिल रहा है, ना खर्च पानी खाए। चमकती हुई मुस्कुराहट भारतीय जनता पार्टी छीन लिए हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के 135 करोड़ आवाम इस पेश नज़र हमारे सूबे तेलंगाना में जिसके सरबरा KCR साहब है राष्ट्र सारा कमेटी के मास्टर तो वो भी जो है कई वादे किए कि नौजवानों को रोज़गार फराहम करूँगा और मुलाजिमत दूँगा, पेट भर रोटी दूँगा, राशन दूँगा वगैरह वगैरह। सरकारी मुद्दा मुलाजिम को हर किस्म की मरा देंगे और जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा तजावज कर लीजिए 57 साल है उनको जो है आसरा पेंशन दूंगा, लेकिन वो हज़ारों लाखों दरख्वास्तें जो है उसकी साथियों का शिकार है। तो इस पेश नज़र क्योंकि तेलंगाना में रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जिसको आम पैन दुकान में RTC बोलते हैं शहर हैदराबाद में बहुत सारे शिकायतें गाड़ियों को मौसूल हो रही हैं। इस ताल्लुक से हमारे नौजवान मोहम्मद बिन सालम जो सीनियर कांग्रेस से कायद है वो भी शख्सी तौर पर एक नुमाइंदा वक्त के साथ गांधी भवन से मेरे गांधी भवन आकर मेरे से मुलाकात की और दरपेश जो RTC को मुश्किल है वो पेश किया। खासकर पुराने शहर से जो खड़कनुमा डिपो है वहाँ का जो है जो DM है डिपो मैनेजर वो जो है बहुत हरासमेंट कर रहे हैं और कई जो है उनके रास्ते जो बसेस चलाई जा रही हैं उसको मजबूत कर दिया गया है, रोक दिया गया है। खासकर जो है बारकस सलाला कुत्ता पेट ये उनका मोहम्मद नगर तो जो बसों की आमदरफ्त आती जाती थी उसको जो है अक्सर जो है बंद कर दिया गया। हम रियासत के RTC अरबाब से हम मुतालबा करते हैं कि फलक नुमा डिपो से जो बसेस रवाना होते हैं वो उसका अक्सर वहाँ जो बहाल होना चाहिए और साथ ही साथ जो है अहमद नगर अस्तानसर से जानमार को जो 63 नंबर जाती थी लगभग 1 साल से ज़ायद वो बस को भी जो है बंद कर दिया गया है। आवाम एहतजाज करने पर मजबूर हैं, कई नुमाइंदे हम कांग्रेस पार्टी में वसूल हो रहे हैं। माशाल्लाह हम आवाम की जो आवाज़ है उसको जमहूरी अंदाज में हल करने की हम मुमकिन कोशिश करेंगे और अरबाब RTC से मेरा मतलबा है हरकमा के जो डिपो मैनेजर हैं वो जो RTC के जो मुलाजमीन हैं उनको हरासा कर रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं, तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपनी ये हरकतों से बाज आएँ वरना आपके खिलाफ़ कांग्रेस पार्टी के कांग्रेसी कारकुन कांग्रेसी कायदीन आपके खिलाफ एक ज़बरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़िम करेंगे, फिर आप जो है आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि हम अपोजिशन में हैं, आवाम की आवाज़ के हम तर्जुमान हैं। इस पेश नज़र अहमदनगर का हस्तांतर का कारमार को जो बसेस चलाई जाती थी 63 नंबर हम रियासती हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो अक्सर उसको बहाल करें और मुकामी आवाम की जो बेचैनी है उसका अजाला करें। जिंदाबाद जिंदाबाद ये इधर वाले बोल रहे हैं पीछे सारे बोलिए सोनिया गांधी सिकप्पा जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल गांधी सिकप्पा जिंदाबाद जिंदाबाद सोनिया गांधी ले चलो चलो ले चलो राहुल गांधी।
बात चलो पटेल जिंदाबाद। आवाज में आवाज मिलाई है, मामला हल्का लग रहा है। अब ये हो गया कि इनकी आवाज ऊपर हो गई और इनकी आवाज नीचे हो गई है। कांग्रेस पटेल जिंदाबाद। कांग्रेस को आने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार लगाओ राहुल गांधी।